राहुल गांधी जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं, एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे सरकार हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं। जनता के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चा को धरना देना पड़ेगा। ओछी मानसिकता विपक्ष दिखा रहा है कि मणिपुर में इतना हिंसा हुआ, ये हुआ, मार काट हुआ, चुनाव आयोग का कोई मतलब ही नहीं। फिर बेईमानी और चोर डाकू के जो अनुभव श्री रामचंद्र जी कभी साथ नहीं देते, ये सब कहने की बात है। लड़कियों के साथ रेप हुआ, जो वो वकील भी हैं, हमको अब तो वकीलों की डिग्रियों पे ही संदेह हो रहा कि वकील हैं कि नहीं है। हाथ उठा के वोट ले लो, गिन लो आप। उस पर ये फोकस करेंगे तो क्या राम जी इनका साथ दे देंगे क्या? कब तक नहीं जीत पाएगा? गलत बात कर रहे हैं आप। राम को लाने वाला कोई माइक लाल पैदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पे कब्जा हो रहा है। मतलब उनको चाहिए ईवीएम चाहिए, फिर वो सॉफ्टवेयर डालेंगे, तब 2024 में जीतेंगे। जजों को अंडर में लिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज नए साल का आगाज हो चुका है और इसी साल भारत के अंदर आम चुनाव होंगे, जिन्हें हम लोकसभा चुनाव कहते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी राम मंदिर के मुद्दे के सहारे अपना लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज दिल्ली के अंदर अधिवक्ताओं ने भी ईवीएम के बहिष्कार के उसमें एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो इसी मुद्दों को लेकर हम लखनऊ के अंदर चर्चा करेंगे कि लोग इस पर क्या राय रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम हट पाएगी? या देखिए, ये विद्वान लोग हैं, अपने अपने हितों के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है चाहे ईवीएम से वोट कराओ और चाहे आप बैलेट पेपर से कराओ, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त होता है, बेईमानी के आधार हर जगह होते हैं। हमने बैलेट के भी चुनाव देखे हैं। अक्सर जब आप चुनाव की गिनती होती है तो किसी के पास ये लेखा जोखा नहीं होता कि कौन से नंबर का बैलेट बाक्स हमारे पास है, ईवीएम बाक्स है। ये किसी भी राजनेता के प्रतिनिधि को नहीं मालूम होता है कि किस बूथ का कौन सा नंबर है, कौन सा बूथ खुल रहा है, इस पर कोई नहीं देता, वहाँ मौके पर जाने नहीं दिया जाता, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद जब बैलेट में भी चुनाव होता था तो हमेशा जब इलेक्शन मतलब काउंटिंग होती है तो 3 से 4 बार बिजली का आवाजाही होता है, उसी में घपला कर दिया जाता है। तमाम तो फाड़ के कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, कुछ में 10 बैलेट नीचे से अच्छे मतलब सत्ता पक्ष के रखे। आपका मानना है कि बैलेट पेपर जो है वो ईवीएम से ज़्यादा कमजोर पक्ष है? इसका मानना दोनों कमजोर पक्ष हैं। जो तो फिर चुनाव किस प्रक्रिया के तहत करवाए जाए? आप ईवीएम से ही करावें, लेकिन ईवीएम का जो वीवीपैट है, जो वो मतदाता वोट देने जाता है वीवीपैट का, एक उसको मिल जाना चाहिए पर्ची और वीवीपैट देख करके गिनती भी होना चाहिए। अगर हम मुझे संशय तो मालूम, मैं मतदाता हूँ, मुझे संशय होता है तो मैं चाहूँ कि जो वीवीपैट मेरे पास वाले पर्ची है दोबारा मैं जन सूचना का अधिकार के तहत भी उनको मिलना चाहिए कि मैं पूछूँ इस नंबर का वोट किसको मिला, वो वीवीपैट की पर्ची दे दी जाए और मुझे सूचना में दे दी जाए, दोनों पर्चियों को मैं मैच करूँ। अगर सेम होगा तो बेईमानी नहीं होगी और गलत होगा तो ईवीएम का सेट हो सकता है। नहीं, जिस तरह से आप ये मांग कर रहे हैं तो इसके बाद में एक सवाल ये भी तो उठता है कि जैसे आपने कहा कि एक पर्ची वोटर को दे दी जाए, लेकिन बाहर खड़ा बूथ पे एजेंट, वो भी तो एक वोटर के ऊपर दबाव बना सकता है कि कहते हैं भाई तुमने वोट दूसरी पार्टी को दे दिया, वोट पर्ची दिखाओ किस पार्टी को वोट दिया आपने। नहीं, उसको वो तो सरकार के लोग वहां रहते हैं, वह नहीं कह सकता है, और हम दिखा भी देंगे, क्या दिक्कत है हमें, खुला वो। आप तो वकील हैं, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर बहुत गरीब, दबे कुचले, दलित, आदिवासी, पिछड़े ऐसे लोग हैं जो मतलब जो आज भी समाज में डरे हुए हैं, पीड़ित हैं। तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का कोई मतलब ही नहीं। फिर चुनाव आयोग और सरकार का कोई मतलब ही नहीं होता अगर सरकार सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती है। ये होना चाहिए कि ओपनली वोट हो, हाथ उठा के वोट ले लो, गिन लो आप। पहले होता रहा है समाज में तो कहाँ हत्याएं होती थी, नहीं होती थी, आज हत्याएं होने लगी जब से दबंगई को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, दबंगई को बढ़ावा मिलेगा, जो दबंग होगा वो चुनाव जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा, कब तक नहीं जीत पाएगा, गलत बात कर रहे हैं आप। दबंग कैसे जीत जाएगा, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। ओपन वोट होना चाहिए और खुला वोट होना चाहिए। जब मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री लोग चुनते हैं, आपको राज्यसभा में आकर के सभापति चुनते हैं, तो क्या ओपन वोट नहीं होता? वहाँ छिपा के वोटिंग तो नहीं होती? वो सांसद है, सांसद है, उनको जान का खतरा नहीं, हमें जान का खतरा है। अरे सरकार हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं, ताकि वो बेईमानी करके जीत जाते हैं। जनता को अपना अधिकार चाहिए ताकि मैं कह सकूं मैंने तुमको वोट दिया है, मेरा काम नहीं करोगे तो लाठी से मारेंगे। ये चाहते हैं कि जनता ऐसा न करने पावे।
जैसा आप वकील है तो आप इस वकीलों की जो मांग है ईवीएम को बहिष्कार करके बैलेट पेपर चुनाव करवाया जाए, तो आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? वकील होने मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं समर्थन करता हूं कि खुला वोट पड़े, चाहे ईवीएम के माध्यम से पड़े। अगर मान लिया जिस बूथ पर वोट पड़ा है वहीं उस समय शाम को मशीन बंद होने के बाद बता दिया किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है, लिख करके दे दिया जाए, काउंटिंग ऐसी की जानी। ईवीएम वाली बात जो बता रहे राहुल, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और तब ईवीएम से चुनाव हुआ था, तब लोगों ने ये नहीं कहा था कि यहाँ ईवीएम गलत। लाल कृष्ण आडवाणी ने बकायदा उनका बयान हैगा, मौजूद हैगा, उन्होंने कहा था कि ईवीएम से धांधली हुई है, कांग्रेस जो है धांधली करके चुनाव जीती है। देखिए चलिए उस समय भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा ने भी ईवीएम का विरोध किया था। तो ये मानते हैं ना विपक्ष ये बात कहता है? विपक्ष जो है हरदम सवाल जो उठाता है, अगर जीतता है विपक्ष तो सदैव जीत जनता के द्वारा की गई, जनता के द्वारा दी गई जीत होती है। वही आज जो विपक्ष कांग्रेस है वो यही फालतू मुद्दा उठा रही है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, अनर्गल बातें हैं। ईवीएम जो है इससे पहले ईवीएम चालू भी उन्हीं के द्वारा हुआ था, कांग्रेस सरकार द्वारा, और समझे आज से नहीं चालू है, और ईवीएम द्वारा चुनाव कराया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव होता है। इसमें बस हार जाने के बाद ये प्रोपेगंडा होता है कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, जो विपक्ष में होता है वो प्रोपेगंडे में उतर आता है। हाँ बिल्कुल होता है, भाजपा हो या कांग्रेस हो चाहे जो हो, अब जनता के जनता के मत का सम्मान नहीं करते। जब आपने आडवाणी की बात कही, देखिए आडवाणी उन्होंने कहा था कभी, तो ये भी मानिए कि हाँ कि आज की डेट में जो कांग्रेस जो प्रोपेगंडा कर रही वो भी सेम टू यू है, मतलब सेम टू यू ही है, बस सेम टू यू ही है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी ओछी मानसिकता विपक्ष दिखा रहा है। जो वो वकील भी हैं, हमको अब तो वकीलों की डिग्रियों पे ही संदेह हो रहा कि वकील हैं कि नहीं है, जो देश की वो अदालत के वकील हैं और वो अदालत में लोगों के केस लड़ते हैं, और वो जा करके जब ये 2002 में 2007 में जब बसपा की सरकार बन गई, 2005 से कांग्रेस की सरकार ईवीएम से थी, तब उन लोग कहाँ गए थे वो वकालत दिखाने के लिए? तब वकालत नहीं दिखा सकते थे? 2017 तक का सारी सरकारें ने, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी से ईवीएम सारी है क्यों नहीं लगी, और जहां वो जीत जा रहे आप ये सीधा साधा या तो वो पागल हैं। तो इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाना चाहिए। और रही बात जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की आप बात करें, तब नई ईवीएम आई थी, तब प्रचलन चालू हुआ था कुछ ही प्रदेशों में, उसको उसके ऊपर उन्होंने उस पर शंका जाहिर की थी। उसके बाद जब 2007 में इनकी सरकार बनी, 2014 में इनके 2004 में कांग्रेस सरकार बनी, जब 2009 में सरकार कांग्रेस सरकार बनी, जब 2012 में सपा की सरकार बनी, तब उन्होंने नहीं कहा। ये प्रथा कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। वाकई में मतदाता बहुत जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं 10 साल मतदाता। ये बताइए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का फेज 2 शुरू होने वाला है, उससे कोई फर्क पड़ेगा मणिपुर से, जो मणिपुर की हिंसा से, मतलब मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लिए? वो चाहे इस देश की यात्रा कोई यात्रा करे, चाहे विदेश से शुरू करे, उनकी यात्राओं का उनकी बात का देश की जनता पे अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। और अभी नहीं उनकी बात का नहीं होना, कोई और भविष्य में तैयार हो तो। एक तो पहली बात, कांग्रेस तो खत्म है, चूंकि उनके क्रियाकलाप के वजह से अब हर जनता जान चुकी, अब उनको नहीं लाएगी और दूसरे को भी नहीं ले आएगी, दूसरा कोई बनेगा, लेकिन उनके कांग्रेस के उसमें आपको कोई वो नहीं बनेगा हिंदुस्तान में, बस ये बता दे। वो है ईवीएम पे गलती बताने से अच्छा है कि एक कोई बढ़िया सा हैकर ढूंढे, अगर उसके भी काबिल नहीं है इन लोग, एक हैकर भी नहीं ढूंढ, हैकर तो ढूंढा है प्रशांत भूषण ने, वो डाल कहा चुनाव आयोग से कि ऐसे हैक होती है। अच्छा होता है ना, तो वैसे ही हैक करके उन लोग जीत ले 2024 के इलेक्शन। सरकार तो मोदी जी की, वो कैसे? अरे सिस्टम तो मोदी जी के हाथ में ना। देखिए अगर हैकर का मतलब क्या हुआ, आपका सेल फोन है, हैकर होगा तो वो आपके पास होगा तब भी वो हैक कर लेगा, हैकर का मतलब ये होता है? नहीं नहीं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, क्या कहते हैं ईवीएम के अंदर, तब होगी ना। मतलब उनको चाहिए ईवीएम चाहिए, फिर वो सॉफ्टवेयर डालेंगे तब 2024 में जीतेंगे। तो अभी तो फिलहाल भूल जाए भाई साहब। और रही बात आपकी भारत जोड़ो यात्रा का, मतलब सेकंड उनका फेस जो है हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जिस जिस जिला में वो जाएंगे, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखंड जीत होने वाली है हम लोग की, और बिना कोई दो राय जहाँ जहाँ वो जाके कदम रखेंगे वहीं वहीं हम लोग की सत्ता बनेगी। अच्छा कर्नाटक में तो राहुल गांधी गए तो कांग्रेस की सरकार बन गई, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकली सरकार बनी। हाँ बिल्कुल बनी। अब देखिए जहाँ जहाँ के लोग जागरूक नहीं है वहाँ वहाँ इनको बन गई। अब कर्नाटक के लोगों का और तेलंगाना के लोगों का प्रति व्यक्ति आय उत्तर भारत के लोगों से ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है वहाँ के लोग।
तो आप कैसे कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं? देखिए अब गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम वाली इलेक्शन में हम लोग वहाँ की सरकार बना लेंगे। और रही बात इनको जो है यूपी जोड़ने वाली जो यात्रा इनकी स्टार्ट होने वाली है वो भारत जोड़ो यात्रा वो जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड हम लोग की जीत होने वाली है फिर से। जी मोदी जी की सरकार बनेगी, देखिए बनेगी। हाँ बिल्कुल 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 2024 में 450+ से जो है सरकार 450+। हाँ 400 भी 450 अभी से लिख के रख लो। अच्छा हाँ, और जो आप सुनना चाह रहे थे वही मैंने बताया आपको। ठीक ठीक। दिल्ली के अंदर वकील है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम ईवीएम के बहिष्कार में आंदोलन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करके चुनाव जीत जाएंगे या राहुल गांधी उसके काउंटर में जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे तो उससे जनता में जन समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे? नहीं नहीं ऐसा है यार, राम से बड़ा तो कोई है ये नहीं, राम को लाने वाला कोई माइक लाल पैदा नहीं है, राम ने सबको लाया है। संसार के सृष्टि का रचना जो है श्री रामचंद्र जी ने किया है, ठीक है जी। तो जो राम के नाम पे भुनाना चाहता है कोई भी हो सत्ता दल, वो कुछ नहीं कर पाएगा। राम सबसे बड़े हैं, राम हर एक इंसान के अंदर में है। भैया जिस तरह भाजपा कह रही है कि जो राम को लेकर आया राम भगवान राम उन्हीं को आशीर्वाद देंगे, ऐसा ये कहने का है कि जबरदस्ती पकड़ करके वो दिलवा लेंगे? जब आशीर्वाद श्री रामचंद्र जी उसी को देते हैं जो सत्य बोलता है, सही मार्गदर्शन पर चलता है, किसी को सताता नहीं है, किसी का हड़पता नहीं है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है, राम उसका साथ देते हैं। बेईमानी और चोर डाकू के जोन बाय श्री रामचंद्र जी कभी साथ नहीं देते, ये सब कहने की बात है। हमेशा श्री रामचंद्र जी अच्छे इंसानों का साथ देते हैं और श्री रामचंद्र जी हर जो है एक व्यक्ति के अंदर में है। तब कहने का है राम मंदिर से और इनका क्या लेना देना है उससे इनका क्या लेना देना है? उस पर ये फोकस करेंगे तो क्या राम जी इनका साथ दे देंगे क्या? तुम जिसका जो टाइम घड़ी और साइत है उस दिन मनाओगे कि अपने मर्जी से आप जो है ब्रह्मा बन जाओगे कि श्री रामचंद्र जी को जो है पूरा वो कर दोगे, ये क्या मतलब है? न्याय यात्रा वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पे कब्जा हो रहा है, जजों को अंडर में लिया जा रहा है, उस पर उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाल करके जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अब हमारा देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। हमेशा जो है कोई भी पार्टियां रही हो तो न्याय विभाग अलग होता है, क्योंकि जनता को न्याय के ऊपर भरोसा होता है कि हम कोर्ट चले जाएंगे। कोई अब दबंग आदमी किसी को सताता था तो उसके लाठी चलाने का और वो झगड़ा नहीं कर सकता था तो वो अपना कोर्ट में मामला लेकर के चला जाता था। तो न्याय विभाग जो है जो सही होता था सत्य होता था वहाँ एक तराजू ऐसे रखा रहता था, ठीक है न्याय विभाग का, कि यहाँ सत्य जो है सत्य में वो जीते, हमेशा सत्य की विजय होती है। लेकिन अब जो है उस पर जो है कलम का पहरा हो गया है, इसलिए जो है राहुल गांधी जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं, एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हर जनता को 140 करोड़ जनता को रखना चाहिए अपना कि मणिपुर में इतना हिंसा हुआ, ये हुआ, मारकाट हुआ, लड़कियों के साथ रेप हुआ, तो ये सब मुद्दा कोई वो नहीं है, रखना तो चाहिए ही। वो नेता है विपक्ष के, उनको रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, नहीं तो कल को देश क्या कहेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप विपक्ष में थे तो कम से कम आवाज तो उठा सकते थे। ईवीएम के लिए तो वकील अकेले जो है धरना दे करके या कुछ वो कर करके कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जन को जो है इसको जो है धरना देना पड़ेगा, जन जन को। अच्छा। जनता के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चा को धरना देना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, तभी जो है देश का कल्याण होगा। अच्छा। अभी आज देखिए ड्राइवर सब धरने बैठ गए हैं, अब जो 80 रुपया किलो प्याज थी वो पहुंच जा रही है 200 रुपया किलो, तो ये सब देश का विडंबना है।